और याद रखो जो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब हो खुलेआम, तो शरीयत ने उसको फेवर करने की इजाजत नहीं दी है। देखो खुदकुशी करने वाले का नमाज जनाजा पढ़ना जायज है, पूरी उम्मत का इजमा है, लेकिन नबी ने नहीं पढ़ा। हालांकि आप तो रहमतुल आलमीन थे ना, आपसे ज्यादा किसी को तरस आया होगा खुदकुशी करने वाले पर, लेकिन आपने नहीं पढ़ा, बायकॉट किया। क्यों? लोग इस जुर्म को हल्का ना समझे। तो हम एक जानिब तो देख रहे होते हैं कि तरस खाना है, दूसरी ये नहीं देख रहे होते कि तर्ज खाने से मुआशरे में ये जुर्म क्या हो रहा है प्रोमोट। तभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी खुदकुशी करने वाले की हिमायत नहीं करता, ना कभी उस पर तर्ज खाता हूं। मेरे पास आता है ना वो बेचारे एक हालात से तंग आके खंबे से लटक गया, मार दिया, हाय 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 बेचारे। मैंने कहा इतना मजलूम नहीं था, अगर इतना नेक होता तो कब्र में चित्रौल लग रहे होते उसके। अरे सबसे पहले तो अल्लाह को तरस आता ना उसके ऊपर। हदीस में आता है जो खुदकुशी करता है बरजख में वही अजाब उसको क्यामत तक दिया जाए।